ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल आज का ये टॉपिक है आपके लिए मेंस क्लोथिंग। मेंस क्लोथिंग एक्सपोर्ट के बारे में आपको बात करेंगे। फिलहाल हम एक्सपोर्ट के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, और क्लोथिंग यानी टेक्सटाइल गारमेंट्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस के द्वारा आपके लिए मैं टॉपिक्स ला रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने बताए थे बेबीज क्लोथिंग, छोटे बच्चे का कपड़े कैसे एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, हो सकता है आपने देखे होंगे। अभी ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, मेंस क्लोथिंग के बारे में। मेंस क्लोथिंग क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे, और कौन से देश को एक्सपोर्ट होता है, और कहाँ से ये मेंस क्लोथिंग आप इम्पोर्ट करोगे, सॉरी कहाँ से आप सोर्स करोगे भारत से मेंस क्लोथिंग। तो मेंस क्लोथिंग होता है जो मेल और फीमेल, मेल फीमेल का अलग अलग क्लोथिंग आता है। तो मेल जो होता है, मेल का जितने सारे क्लोथिंग एक्सेसरीज होता है, क्लोथिंग्स का कपड़े वगैरह होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड वन टॉपिक में हमने लाए हैं मेंस क्लोथिंग का। तो मेंस क्लोथिंग अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्टर जो आप एक्सपोर्ट करते हो, टेक्सटाइल गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको हर चीज़ में आप ध्यान मत दीजिए, आप एक एक प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसा कि आपको मैं लास्ट टाइम बताया था, बेबी क्लोथिंग अगर आप एक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बेबी क्लोथिंग एक्सपोर्ट करिए, मेंस क्लोथिंग एक्सपोर्ट करिए, या एथनिक वेयर एक्सपोर्ट करिए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करिए, एक एक प्रोडक्ट में ध्यान दीजिएगा। अगर आप पूरे अलग अलग चीज़ करते रहोगे तो पूरा ये मैसी हो जाएगा, पूरा ये मिक्स हो जाएगा, तो सामने वाला जो बायर्स है आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप स्पेशलाइज नहीं हो कोई भी एक प्रोडक्ट में। तो एक एक करके मैं एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट टेक्सटाइल के ऊपर एक एक वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए। तो बेबीज क्लोथिंग अगर आप एक्सपोर्टर हो और आप बेबीज क्लोथिंग में आप स्पेशलाइज्ड होना चाहते हो, सिर्फ आप बेबीज क्लोथिंग एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो पिछले वीडियो में मैं पूरे एक्सप्लेन करके बता दिया था बेबीज क्लोथिंग क्या होता है, कहाँ से सोर्स करना है और कहाँ एक्सपोर्ट करना है, आपको बता दिया था। ये है आज का वीडियो है मेंस क्लोथिंग। तो मेल फीमेल का जितने सारे क्लोथिंग्स होते हैं, तो भारत से आप कहाँ से सोर्स करोगे, कौन से देश इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट का वैल्यू है, पूरी डिटेल्स में आपको बताएगा, ठीक है। और इंडिया जो भारत टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट में आगे बढ़ते जा रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अमेरिका खाली इंडिया से 23% टेक्सटाइल गारमेंट इंपोर्ट करता है। 2021-22 में इंडिया 44.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था गारमेंट टेक्सटाइल में। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगर आप टेक्सटाइल गारमेंट में स्पेशलाइज होकर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल गारमेंट का एक्सपोर्टर है। फर्स्ट है चाइना, सेकेंड में बांग्लादेश, थर्ड में है इंडिया। इंडिया सेकेंड में था हमेशा, लेकिन बांग्लादेश कुछ सालों से इंडिया से आगे बढ़ गया, ठीक है। तो आपको बता दिया जो 44.4 बिलियन डॉलर का बिजनेस है, फिलहाल एक्सपोर्ट का बिजनेस है, 2021-22 में किया था भारत 44.4 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। और ये धीरे धीरे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मेंस क्लोथिंग में जो करीब 100 ओनली मेंस क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ, जो मेन जो पहनते हैं वो कपड़ा, वो मेंस क्लोथिंग इंडिया से 130 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से टॉप कंट्रीज़ कौन सा है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ओनली मेंस क्लोथिंग में जो मेंस का जो आदमी शर्ट पहनता है, खाली शर्ट एक्सपोर्ट हुआ था 3.3 मिलियन डॉलर से 5 मिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ था 2021-22 में, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियन यूनियन अमेरिकाज कंट्रीज इंडिया से इंपोर्ट करता है मेंस क्लोथिंग, ठीक है। तो मेंस क्लोथिंग को मैं भाग भाग करके बताऊंगा, आप स्क्रीन में देख लीजिए। मेंस क्लोथिंग में आता है मेंस कोट, मेंस हुडीज, मेंस स्वीट शर्ट्स, मेंस जैकेट्स, मेंस जीन्स, मेंस लेगिंग, मेंस पैंट्स, मेंस ट्राउजर्स, मेंस शर्ट्स एंड मेंस टी शर्ट्स।
तो आपको मैंने जो दिखा दिया लिस्ट करके, ये हो गया मेंस क्लोथिंग का जो मेन जो आपका क्लोथिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसमें से आप जो मेंस क्लोथिंग में आप ये अलग अलग जो क्लोथिंग मेंस का है तो ये आपको सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है। आइदर आप शर्ट्स करिए, टी शर्ट्स करिए, जीन्स करिए, ट्राउज़र करिए, जैकेट करिए, जो भी प्रोडक्ट है आप सोर्स करके भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और ये जो कहाँ से आप सोर्स बताऊँगा, कहाँ से आप सोर्स करोगे ये जो प्रोडक्ट है आप कहाँ से सोर्स करोगे भारत से, तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, गुजरात स्टेट, भारत का गुजरात स्टेट जो है हमेशा आगे रहता है जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, ठीक है। और ये जो मेंस क्लोथिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है शर्ट्स पैंट्स वगैरह, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद एंड आपका तमिलनाडु में तिरुपुर, आपका पंजाब में लुधियाना, ये जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारे एरियाज में ये आपको सोर्स करना चाहिए, आपको यहाँ से आपको सस्ता में कपड़ा मिल जाएगा। तो लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए कहाँ से आपको सोर्स करोगे द प्रोडक्ट, मेंस क्लोथिंग प्रोडक्ट आप कहाँ से सोर्स करोगे, भारत का कौन से सिटी, कौन से स्टेट से आपको सोर्स करोगे, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो पहला हो गया सूरत एंड अहमदाबाद, ये दो सिटी है गुजरात में लोकेटेड है, एंड आपका जयपुर है, राजस्थान का जयपुर सिटी है, न्यू दिल्ली, ठीक है, और पंजाब में लुधियाना, पानीपत, और आपका महाराष्ट्र में भिवंडी और भिलवाड़ा, बेंगलोर, बेलरी, तिरुपुर, ठीक है। इसमें सूरत, अहमदाबाद, तिरुपुर ये इम्पोर्टेंट जगह है, सूरत, अहमदाबाद, तिरुपुर, भिवंडी, लुधियाना, पानीपत, जयपुर, पूरा आपको लिस्ट करके दिखा दिया आपको, आप देख लीजिएगा। आपको मैंने जो दिखाया ये सोर्सिंग का जगह है, सोर्सिंग का सिटीज है, स्टेट है, यहाँ से आपको मेंस क्लोथिंग को सोर्स करना है। तो जितने जगह आपको बता दिया, जितने सारे जगह आपको बता दिया ये एरियाज है, वहाँ से आपको वहाँ का जो डायरेक्टरी होता है आपका येलो पेजेस और डायरेक्टरीज, मैं आपको लिस्ट करके आगे बता रहा हूँ, सूरत के लिए सूरत डायरेक्टरीज, अहमदाबाद के लिए अहमदाबाद डायरेक्टरीज, एंड आपका तिरुपुर के लिए तिरुपुर डायरेक्टरीज। तो जो डायरेक्टरीज बताएगा डायरेक्टरीज में टेक्सटाइल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स का लिस्ट रहेगा, तो आप वहाँ से कॉल करके सोर्स कर सकते हो। तो मैं आने वाले आगे दिखाऊंगा आपको B2B ट्रेड पोर्टल्स का एक दिखाऊंगा आपको, लिस्ट करके बताऊंगा, और ये गारमेंट्स टेक्सटाइल का सोर्सिंग का एरियाज का वेबसाइट भी दिखाऊंगा, आगे आप लिस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो आपको एरियाज बता दिया, राजस्थान में राजस्थान का जयपुर है, पानीपत, लुधियाना, न्यू दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, तिरुपुर, ये जो एरिया बता दिया, यहाँ से आपको मेंस गारमेंट्स का मिल जाएगा, जो मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। लुधियाना जो एरिया है, लुधियाना ज़्यादा करके जो टॉप क्लास फैब्रिक्स में मेंस क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग करता है, ज़्यादा करके यूरोप एंड अमेरिकाज के लिए ज़्यादा हाई क्लास एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाता है। तिरुपुर में, सूरत में, अहमदाबाद में आपको मिक्स मिलेगा। तिरुपुर जो है तमिलनाडु का एक मेन एरिया है, वहाँ से ज़्यादा टेक्सटाइल गारमेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मेंस वुमेंस क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है। और महाराष्ट्र का एक एरिया है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है भिवंडी, भिवंडी अगर जाओगे तो आपको टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे और बहुत सारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स मिलेगा, वहाँ से आपको मेंस क्लोथिंग का मिल जाएगा। और सूरत तो है ही है, सूरत एंड अहमदाबाद दो मेन हब है टेक्सटाइल गारमेंट्स का, यहाँ पर जाओगे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आपका ऑर्डर देके आप मेंस क्लोथिंग अरेंज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप जितने सारे एरिया बता दिया, ये एरिया से, ये सिटी से, ये राज्य से आपका मेंस क्लोथिंग जितने बता दिया वहाँ से जाकर ऑर्डर देके आप मैन्युफैक्चरिंग करके आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी आपको मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ जो कितने सारे इम्पोर्टेंट देश है, कौन से सारे कितने सारे कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है, और वर्ल्ड वाइड कितने सारे कंट्री वर्ल्ड वाइड उनका जो इम्पोर्ट का वैल्यू है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टॉप कंट्रीज़
जो टॉप कंट्रीज इंडिया से इंपोर्ट करता है गारमेंट्स ऑफ सॉरी मेंस क्लोथिंग इंपोर्ट करता है, और वर्ल्ड में उनका वैल्यू कितना है इंपोर्ट, उसका दिखा रहा हूँ आपको, ऑन स्क्रीन दिखा देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट कंट्री है जो बड़ा, सबसे ज़्यादा 5 कंट्री है इंडिया से इंपोर्ट करता है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई 60.61 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, अमेरिका 32.68 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, सऊदी अरबिया 16.81 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, सोमालिया 4.66 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, और यूके 4.32 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। ये 5 कंट्री भारत से इंपोर्ट करता है, आप देख लीजिए, यूएई, यूएसए, सऊदी अरबिया, सोमालिया, यूके, ये 5 कंट्री भारत से ज़्यादा मेंस क्लोथिंग इंपोर्ट करता है, ठीक है। बाकी जो कंट्री है, बाकी जितने सारे कंट्री का दिखा रहा हूँ, ये कंट्री वर्ल्ड में, वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं मेंस क्लोथिंग, उनका वैल्यू दिखा रहा हूँ मैं, देख लीजिए। यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड वाइड 77 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं मेंस क्लोथिंग, यूएसए 30 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, चाइना 18 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, वियतनाम 18 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, बांग्लादेश 11 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, जापान 9 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, हांगकांग 7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया 7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, मेक्सिको 7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, टर्की 7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, ठीक है। और ये देख लीजिए कंट्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, जो अदर कंट्रीज इंपोर्ट करता है भारत से, वो हो गया आपका चाइना, यूएसए, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड जर्मनी, ठीक है। सो आपको मैंने लिस्ट करके दिखा दिया कौन से कितने सारे कंट्री भारत से इंपोर्ट करता है। तो पांच इंपॉर्टेंट कंट्री बता दिया, ये सऊदी अरबिया, यूएई, अमेरिका, सोमालिया, यूके, ये जो कंट्रीज बता दिया, ये 5 टॉप कंट्रीज है जो भारत से ज़्यादा मेंस क्लोथिंग इंपोर्ट करता है, ठीक है। अमेरिका एंड आपका अमेरिका, सोमालिया, यूके, ये जो कंट्रीज हो गया, और आपका जितने सारे कंट्री बता दिया, ये कंट्री से आपको इंपोर्ट होता है, इंडिया से इंपोर्ट करता है, ठीक है। और जितने सारे दूसरे कंट्री बता दिया, जापान से लेकर जर्मनी, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश जैसा कंट्री भी इंडिया से मेंस क्लोथिंग इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो जितने सारे कंट्रीज आपको बता दिया, लिस्ट कर लीजिएगा, लिस्ट करके आप एक्सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी मैं जितने सारे लिस्ट बता दिया, लिस्ट में आपको दिखा दिया जो बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया, वहाँ से आपको सर्च करोगे तो आपको मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, नहीं तो जो 6-7 जगह बता दिया, पानीपत आपका, जो लुधियाना आपका, तिरुपुर, इतने सारे जगह बता दिया, वहाँ से भी आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं ये मेन्स क्लोथिंग। तो उनका जो डायरेक्टरीज दिखा दिया, आइदर एग्जाम्पल आप सूरत से इंपोर्ट करना चाहते हो, सूरत से सोर्स करना चाहते हो, तो सूरत डायरेक्टरी में जाइए, उसमें आपको बहुत सारे टेक्सटाइल गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। आपको महाराष्ट्र डायरेक्टरी में जाइए, आप लुधियाना डायरेक्टरी में जाइए, आप सूरत सॉरी आपका तिरुपुर डायरेक्टरी में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेन्स क्लोथिंग, ठीक है। तो मैं पूरा लिस्ट करके बता दिया, और जितने सारे कंट्री आपको बता दिया जो इंपोर्ट करते हैं भारत से, जैसे कि अमेरिका, चाइना, सोमालिया, यूके, यूएई,
जर्मनी, जापान जितने सारे कंट्रीज आपको लिस्ट करके बता दिया, ये पूरे कंट्रीज़ के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका, हाउ टू एक्सपोर्ट टू जापान, हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूके, हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूएई, हाउ टू एक्सपोर्ट टू सोमालिया, पूरे कंट्रीज़ का वीडियो बना चुके हैं। तो उस वीडियो, उस जितने सारे कंट्रीज़ का लिस्ट में हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो वन बाय वन कंट्री जाके देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। तो मैंने अलग अलग कंट्री के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कैसे भारत से उस देश को एक्सपोर्ट करोगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वन बाय वन हमारे जो अमेरिका, जापान, जर्मनी जितने सारे कंट्रीज बता दिया और सबके ऊपर वीडियोज़ बना हुआ है, वन बाय वन वीडियोज़ देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से कंट्री को आपको क्या एक्सपोर्ट करना है और कौन से कंट्री से कैसे आपको इम्पोर्ट ऑर्डर मिलेगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो ये जो गारमेंट एक्सपोर्ट करोगे तो उसका ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं। उस वीडियोज़ का लिंक मैंने हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप जाके उस वीडियो वन बाय वन देख लीजिए, तो आपको पूरे डिटेल्स में समझ में आएगा कैसे एक्सपोर्ट करना है और कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाना है फ्रॉम द एब्रॉड। तो मैं डिटेल्स में बता दिया, आने वाले और सारे वीडियोज हम बनाएंगे टेक्सटाइल गारमेंट्स के ऊपर, आप मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आने वाले दिनों में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।